नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। आप देख रहे हैं जयबीम टीवी। आज बात करेंगे तबलीगी जमात की। क्या है आखिर ये तबलीगी जमात? कोरोना के साथ साथ देश में अब ये केंद्र में आ गया है तबलीगी जमात। हर इंसान बात कर रहा है कि ये जमात आखिर है क्या, क्यों है, इसका मकसद क्या है। हमने भी नेट पर इसके जब बारे में खंगाला तो कई बेहतरीन बातें सामने आईं, लेकिन जो मंजर आज तबलीगी जमात के जरिए पूरा देश देख रहा है, ये उन आदर्शों पर तो हरगिज नहीं है। तबलीग का मतलब है किसी धर्म के प्रचार के लिए कुछ लोगों के झुंड का एक जगह पर एकत्रित होना, ये होता है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात 6 आदर्शों पर टिका हुआ है। ये आदर्श क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। तबलीगी जमात कहता है कलमा, यानी कलमा पढ़ना, सलात, सलात 5 वक्त की नमाज उसे पढ़ना, इल्म यानी इस्लामी शिक्षा को ग्रहण करना, इकराम में मुस्लिम भाइयों का सम्मान करना, याद रखिए मुस्लिम भाइयों का सम्मान करना, हिंदुस्तानी भाइयों का नहीं, इखलास ए नियत, ये बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए, इखलास ए नियत यानी इरादों में ईमानदारी, और आखिरी है दावतो तबलीग यानी कि सारी शिक्षा का प्रचार करना। तबलीगी जमात और इसके अमीर का ओहदा संभालने वाले मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी इन दिनों सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में है इनके हजारों वो जमाती जो इन दिनों देश भर में उत्पाती बन चुके हैं। देश एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रही है, वहीं हजारों की संख्या में तबलीग के जमाती बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। उनके सुर्खियों में होने की वजह दिल्ली में आयोजित वो कार्यक्रम है जिसके बाद देश दुनिया के हजारों जमाती निजामुद्दीन मरकज पहुंचे थे, जिनकी वजह से दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी बड़ी तेजी से पूरे देश भर में फैल गई। लेकिन अचानक सुर्खियों में आने वाला तबलीगी जमात क्या है और क्या है इसका मकसद? भारत में सन 1926-27 के दौरान इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद इलियास ने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी थी। इस तबलीग की तरक्की के लिए 6 सिद्धांत भी बनाए गए। पहला कलमा, कलमा पढ़ना, दूसरा सलात यानी 5 वक्त की नमाज को पढ़ना, तीसरा है इल्म मतलब इस्लामी शिक्षा, चौथा है इकराम ए मुस्लिम जिसका मतलब है मुस्लिम भाइयों का सम्मान करना, पांचवा है इखलास ए नियत इरादों में ईमानदारी, और आखिरी है दावतो तबलीग यानी प्रचार करना। लेकिन जिस तरह की घटनाएं देश दुनिया ने कोरोना संकट में इन हजारों जमातियों की देखी है, उसके बाद जमात के उसूलों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तबलीगी जमात की पहली मीटिंग भारत में 1941 में हुई थी। इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। 1940 के दशक तक जमात का कामकाज अविभाजित भारत तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इसकी शाखाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैल गईं। जमात का काम तेज से फैला और यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा हर साल बांग्लादेश में होता है, जबकि पाकिस्तान में भी एक सालाना कार्यक्रम होता है। इसमें दुनिया भर के लाखों मुसलमान शामिल होते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि जमात विश्व की सबसे बड़ी मुसलमानों की संस्था है, पर इसके सेंटर 140 देशों में है। भारत में सभी बड़े शहरों में इसका मरकज यानी सेंटर है। साल भर इज्तिमा यानी धार्मिक शिक्षा के लिए लोग इकट्ठा होते रहते हैं, लेकिन आज इन्हीं लोगों ने मरकज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार से लेकर पुलिस तक सवालों की फेरिस्त लेकर इनके अमीर मौलाना साद को तलाश रही है, और देश भी इस घटना से हैरान है। सवाल कई हैं जिसका जवाब सिर्फ मौलाना साहब के पास है कि आखिर उन्होंने अपनी बातों में उस दिन ऐसा क्यों कहा जिससे इतनी बड़ी संस्था पर सवाल खड़ा हुआ। मौलाना साहब, भारत आपसे कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान आपका भी है हमारा भी है, ये हिंदुस्तानी भाई भले ही वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोरोना मजहब नहीं देख रहा है, आपके जमाती देश भर में फैले हैं, उन्हें बोलिए वो सामने आए देश को बचाएं, क्योंकि ये देश जितना हमारा है उतना ही आपका है। जय हिंद।